अगला क्वेश्चन देखो, 2015 में 2 मार्क्स का आया हुआ है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे अब तक हम करते आ चुके हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो ध्यान से, तो सबसे पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड कर लेते हैं, 4x² + 4bx - 1 भेज दो तो माइनस का ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखना ध्यान से, यहां पे हमारे पास क्या है, 4bx, मतलब हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला इससे मिलकर बनाना है। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, इस 4x को मैं एक्स स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x * 2x, कोई दिक्कत यहां तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी। प्लस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 * 2x * b लिख सकता हूं। और यहां देखो फिर अगला क्या है, प्लस का बी स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या है माइनस का ए स्क्वायर, माइनस का ए स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए कैपिटल ए मान लूं, कैपिटल ए, और तो ये क्या हो जाएगा कैपिटल ए, और ये इसको मैं कैपिटल बी मान लूं तो ये क्या हो जाएगा कैपिटल बी का स्क्वायर। अब दिखा कुछ फॉर्मूला आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दिखा ध्यान से अच्छे से समझ में। तो ए की जगह कितना आ रहा है, ध्यान से देखो, ए की जगह आ रहा है 2x, प्लस बी की जगह कितना आ रहा है बी, बी की जगह स्मॉल में। ये चीज कितने लोगों को समझ में आई, ये चीज कितने लोगों को समझ में आई, आई बात समझ में कि नहीं। इस पूरे को मैंने क्या किया, इस पूरे को ध्यान से देखो, इस पूरे को फॉर्मूला बना लिया, आई बात समझ में अच्छे से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आई बात समझ में। अब देखो ध्यान से, और इधर क्या लिखा हुआ है माइनस का ए स्क्वायर। अब फिर से देखो ध्यान से, यहां पे देखो ध्यान से, इस पूरे में क्या फॉर्मूला लग रहा है, देखो अलग अलग मार्कर अलग अलग कलर का इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इस पूरे को थोड़ी देर के लिए फिर से मैं कैपिटल ए मान लूं तो ये क्या हो जाएगा कैपिटल ए का स्क्वायर, माइनस इसको अगर मैं कैपिटल बी मान लूं तो ये क्या हो जाएगा कैपिटल बी का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी, और इसको क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी। ध्यान से देखो, ये चीज समझ में आई कि नहीं। अब देखो ध्यान से, ए की जगह क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, ए की जगह क्या आ रहा है, ए की जगह पूरा आ रहा है 2x प्लस बी, और बी की जगह क्या आ रहा है ए आ रहा है, इक्वल टू में ये 0 चली रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ऊपर का मिटा दो, लिख लिया होगा शायद, यहां देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, तो क्या लगेगा ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब 2x प्लस बी प्लस ए प्लस ए, ए ए मतलब बी, मतलब बी मतलब ए, बी की जगह ए आ रहा है तो ए, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा ध्यान से देखो 2x प्लस बी और क्या आएगा माइनस बी, और बी की जगह कितना आया ए तो माइनस का ए। ये चीज समझ में आई कि नहीं अच्छे से। अब देखो क्या होगा 2x प्लस बी प्लस ए इक्वल टू 0, तो इधर से क्या आएगा 2x प्लस बी माइनस ए इक्वल टू 0। ये चीज समझ में आई कि नहीं अच्छे से बताना, वीडियो लेके पॉइंट क्लियर करना तभी होगा, पता बहुत बढ़िया बढ़िया ये 4-5 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए आपको, ध्यान से समझना, जरूर आने के चांस है इस क्वेश्चन के। यहां से x को क्या लिख सकता हूं 2x इक्वल टू, इस पूरे को उधर ले गया तो क्या हो जाएगा माइनस का ए माइनस का बी, तो यहां से x कितना आ जाएगा माइनस का ए माइनस का बी अपॉन 2। ये चीज समझ में आ गई। यहां से देखो 2x तो यहीं रहा, ए को उधर ले जाएंगे तो ए प्लस में हो जाएगा और बी माइनस में, तो यहां से कितना आ जाएगा x इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन 2। यही हमसे सोल्व करवा रहा है और यही हमारा आंसर भी है। आई बात समझ में अच्छे से क्लियर है, एक एक पॉइंट नोट डाउन करो, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है ये, सेम टाइप के देखो तीसरा क्वेश्चन है, अभी एक क्वेश्चन और करेंगे और अगर ऐसे एग्जाम में आ गया तो मेरे ख्याल से आपको कोई डिफिकल्टी नहीं हो रही होगी। अगर अभी भी डिफिकल्टी हो रही होगी तो वीडियो को आराम से देखना, तसल्ली से 2-3 बार देखना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना समझ में आए। समझ में आई बात अच्छे से बच्चों, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ अच्छे से करो, प्रैक्टिस करो, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ये। जब तक प्रीवियस ईयर्स नहीं करोगे, आपके मेहनत की स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, आपको नहीं पता चलेगा कि एग्जाम में क्या होगा, आपके 60-70 आ जाएंगे लेकिन उससे ऊपर नहीं बढ़ेगी। प्रीवियस ईयर करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आई बात समझ में, नोट डाउन कर जल्दी से।